ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। धनु राशि के जो राशि स्वामी होते हैं वो बृहस्पति देव होते हैं, जो कि इस महीने अपनी मीन राशि में फोर्थ हाउस में यानी कि सुख भाव में विराजमान रहने वाले हैं, जो कि सुखों में वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में भौतिक सुखों में वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं। भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। ज्वेलरी खरीदने के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। आपके जो भाग्य के स्वामी सूर्य देव अपनी कन्या राशि में विराजमान रहने वाले हैं और 17 अक्टूबर के बाद वो अपनी नीच राशि तुला में विराजमान होंगे, जिसकी वजह से पिता की हेल्थ में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस रह सकती है, पिता से मन मुटाव रह सकता है। इसके साथ ही परिवार में भी किसी बात को लेकर बेवजह का मनमुटाव रह सकता है, तो इस टाइप को आपको संभल कर यूज करना होगा। अब बात करते हैं कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना कैसा रहने वाला है। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी तो बहुत अट्रैक्टिव रहने वाली है, लेकिन आप थोड़ा सा लो फील करेंगे, अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। तो इस टाइम पे आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करके चलने की जरूरत होगी। कोई भी कार्य करते वक्त अपने आप को अलर्ट रखेंगे तो आपके लिए बढ़िया होगा। बात करते हैं कि मैरिड कपल्स के लिए महीना कैसा रहने वाला है। आप लोगों के लिए टाइम बढ़िया ही रहने वाला है, एक दूसरे का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, आप लोगों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी रहने वाली है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहने वाली है। बात करते हैं कि लव कपल्स के लिए महीना कैसा रहने वाला है। आप लोगों के लिए जो टाइम है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन से भरा रह सकता है, ट्रस्ट इशू रह सकते हैं, तो कोशिश करें इस चीज को आप अवॉइड करें। बेवजह के ना ख्याली पुलाव ना पकाएं और ना ही एक दूसरे पर शक करें, नहीं तो आप अपना जो रिश्ता बना बनाया है ना वो खराब कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए महीना कैसा रहने वाला है। आप लोग भी कंफ्यूजन से भरे रह सकते हैं, कोई भी डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी कार्य ना जल्दबाजी में ना करें, कोई भी चीज़ को जल्दी से जल्दी अपने आप को किसी ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए या कोई भी चीज़ पाने के लिए ना कोई भी ऐसा रास्ता ना अपनाएं जिससे बाद में आपको उससे निकलना मुश्किल हो। और साथ में नशे से बहुत ज़्यादा दूर रहें, क्योंकि ये जो टाइम है ना आपको थोड़ा सा भ्रमित करने वाला है। तो अपने कार्यों पर फोकस करके चलेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बात करते हैं कि बिजनेस वालों के लिए महीना कैसा रहने वाला है। बिजनेस वालों के लिए टाइम बढ़िया ही रहेगा, नए बिजनेस खोलने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। साथ में व्यापार में वृद्धि के बहुत अच्छे चांस बने हुए हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत बढ़िया रहने वाली है, जिससे आपको व्यापार में लाभ होने के बहुत अच्छे चांस बने हुए हैं। अब बात करते हैं कि जॉब वालों के लिए महीना कैसा रहने वाला है। जॉब वालों के लिए, आप लोगों के लिए बहुत टाइम से जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे ना, अब वो टाइम आपके लिए होगा। आपको न्यू जॉब के चांस बनेंगे, जॉब में प्रमोशन के भी चांस बनेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि बिना वजह अपने सहकर्मियों के साथ और अपने बॉस के साथ ना उलझे, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज ये महीना आपके लिए सपोर्ट में ही रहेगा। अब बात करते हैं कि वो कौन से उपाय करें जिससे ये महीना आपके लिए आपके फेवर में रहे। आप क्या कर सकते हैं, आप विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, इसके साथ ही सूर्य देव को प्रणाम करें, माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, मेडिटेशन करें और अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते रहें। तो आशा करते हैं ये महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ कामयाबी लेकर आएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।